चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना अपडेट सबसे पहले आपको दे देते हैं बड़ी खबर के माध्यम से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में लगातार कोरोना बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कोरोना पर ब्रेक नहीं लग रही है। आपको बता दें 24 घंटे में 50 नए केसेस सामने आ चुके हैं, कोरोना के 576 मरीजों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा 84,60,000 के पार बताया जा रहा है। एक्टिव केसेस 5,14,000 से ज्यादा आंका जा रहा है। बड़ी खबर, देश में केसेस काफी ज्यादा कोरोना के अब आने लग गए हैं, इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। इसके पीछे की एक वजह लोगों की लापरवाहियां भी बताई जा रही है। अब धीरे धीरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि कोरोना पीक पर पहुंच चुका है, इसको लेकर और सख्ती बरतने की जरूरत है। कोरोना की 576 जो मरीज थे उनकी मौत भी दुखद हो चुकी है। रफ्तार के साथ कोरोना केसेस पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि 24 घंटे में 50 नए केस। चलिए देश की बात प्रदेश की बात सबसे पहले हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में किस तरह के हालात है कोरोना को लेकर? हरियाणा में कोरोना का कहर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एक दिन में 2,267 नए केस सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के चलते 21 मरीजों ने जान भी गंवा दी है, 1,78,000 के पार आंकड़ा हो चुका है। कोरोना से अब तक 1,880 मरीजों की मौत हो चुकी है, ये एक बड़ा आंकड़ा है और हरियाणा वासियों के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। रफ्तार के साथ कोरोना केसेस बढ़ते हुए हरियाणा में भी नजर आ रहा है और एक दिन में देखिए 2,267 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना के चलते 21 मरीजों ने जान भी गंवा दी है, 1,78,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 1,880 मरीजों की दुखद मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बड़ी खबर देश की बात प्रदेश के क्या हालात हैं और हरियाणा में किस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, क्या अपडेट है, हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से बता रहे हैं। हरियाणा वासियों के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर, एक दिन में 2,267 नए केस सामने आ चुके हैं कोरोना के और आपको बताएं कि 1,78,000 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हरियाणा में कोरोना का कहर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आंकड़े रफ्तार के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।